Oh shit, here we go again. Pokemon Unite! So hey guys, what's up? We are back with another video. PUBG तो रोज ही खेल रहे थे तो सोचे फिर वापस से एक नया गेम ट्राई किया जाए कि PUBG में हैकर भी बहुत आ रहा है, जानते ही हो तुम लोग भी। तो यही हमको बेस्ट टाइम लगा कि थोड़ा PUBG से ब्रेक लेते हैं और कुछ नया गेम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये गेम हमको अच्छा लगा, मतलब ये मल्टीप्लेयर गेम्स में। तो यहाँ देख सकते हो कि डिफरेंट मोड है, फ्रेंडली रैंडम CPU मोड, तो फ्रेंडली फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, CPU के साथ खेल सकते हो। यहाँ देखो रैंक मैच, स्टैंडर्ड मैच, तो यहाँ मैचिंग स्टार्ट की है, तो देखो अब रेडी की है। इसमें क्या है, ये पोकेमॉन का बास्केटबॉल गेम है। अब तुमको समझ में आएगा हम ऐसा क्यों बोल रहे, पोकेमॉन का बास्केटबॉल गेम। यहाँ देखो कुछ पोकेमॉन है इसमें सिलेक्ट करना है, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट था और है चारिज़ार्ड, वही रखते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, बाकी सब ने भी अपना अपना पोकेमॉन जिस हिसाब से वो सिलेक्ट किया है। अब यहाँ देख सकते हो पोशंस भी देता है इसमें, इसमें चैट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत लिख के। और सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, तो स्ट्रैटेजी बना के खेल पाओ, ये मतलब हमको बेस्ट लगा इस गेम का। तो अब दिखाते हैं गेम प्ले किस तरह का है इसमें। इसमें देख रहे हो कि सब कोई रेडी है, साउंड देखते हो, साउंड एक नंबर साउंड है इसमें। तो यहाँ गेम स्टार्ट हो गया। अब पोकेमॉन का बास्केटबॉल कैसे है तुम देखो। अब यहाँ है, अब तुमको है इसमें यह है कि पोकेमॉन को अपने ताकत से मारना है। जैसे दो लिखा है ना, तो तुम इसको मारोगे तो तुमको दो बॉल्स मिलेगा, अब उस बॉल्स को ही गोल करना है। देखो असल में बल्बसॉर ने मार दिया था उसको, तो मेरा चार्मेंटर को मिला नहीं। अब इसको देखो ही मारे, देखो दो बॉल्स मिल गए हमको, 30 out of 2 दिख रहा होगा। तो इसको भी हम मारते हैं बढ़िया से। अभी देखो अब बल्बसॉर के साथ हम स्कैम करते रहते, लास्ट शॉट हम मार के बॉल ले रहे थे। तो यहाँ देखो 6 balls मिल गया, अब बल्बसॉर देखो हम उसको मारेगा तो 5 balls मिले। अब यहाँ देखो यहीं पे आके गोल करना है। अभी इस उसका टीममेट देखो बचा के बैठा हुआ था कि कैसे, देखो अपने में उसका टारगेट है कि गोल करने नहीं देना है उसको, मेरे में गोल करना है हमको। अब देखो बल्बसॉर इसको इतना डैमेज दे दिया था कि हम इन लोगों को देखो दौड़ा दौड़ा के मारे। अब इन लोगों को मारने से भी देखो बॉल कितना, टोटल 17 balls होगी। तो यहाँ के गोल करना है, जो जितना ज़्यादा बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ देखो एक ये था चिड़िया, वो भी डैमेज था, इसका तो नाम भूल गया, कमेंट में बताना अगर किसी को याद है। तो इसको भी पहले मारते हैं, इससे भी हमको मिल जाता है देखो टोटल 6 balls। तो इस 6 balls को वापस लेकर गोल में जाना ही था। देख रहे बास्केटबॉल ऐसा गोल होता है इसमें। तो काफ़ी फन गेम है, मतलब अगर कहा जाए तो। देखो अब मेरा 4 million में विकसित हो गया है। अब देखो इसे लड़ लड़ के लो था, अब देखो दोनों साइड से उसको पार्ट रहा था, उसको मरना तो तय था। हम भी उन्होंने पूरा पावर ओवर लगाए हैं इस पर अच्छा से, इसको ठोकेंगे अच्छा से, इनको मार पा नहीं रहा, इसको बहुत डैमेज दिया। देखो ये ना स्पीड बढ़ा के निकल गया स्पीड में, इसका किस्मत अच्छा नहीं थी, इसको भी मारते हैं। जो 4 balls मिला था उसको ठोकें इधर वापस, वापस से गए बॉल लेने, जान ही रहे बॉल लो। अरे देखो ये लो था, ये जा रहा था, इसको भी डैमेज दिया, देखो अच्छा खासा ये भी निकल गया पावर से। ये अपने बेस में जाता है ना तो पावर अप हो जाता है, यही है। तो इन लोग को मार के अब हमको गोल करना था, यही लोग लो बचा हुआ था यहाँ पे। तो देखो इन लोग को मारते हैं, तो इन लोग को मार के अब देखो ये आ गया था। अब इसका मुंह के सामने देखना हम ट्राई करेंगे गोल करने का, लेकिन हुआ नहीं। देखो ये देख रहे हो पूरा पावर अप हो गया था, तो ये भी अच्छा खासा डैमेज। अब हम अपने बेस में आके ही लोंगे, लेकिन देख रहे थे कि बल्बसॉर अच्छा रिस्पोर्ट लो कर दिया, बल्बसॉर इसको ठोक भी दिया। तो हम बोले इससे अच्छा क्या मौका था, इसको मारें पकड़े कलेक्ट किए 7 balls वापस लेके गोल में मारे। देख रहे हो गोल पे गोल किए जा रहे हैं हम लोग, तो एकदम देख रहे हो एरिया में डोमिनेंस छाया हुआ। हम इसको मारने पे आ गए, बोले 5 balls इससे भी मिले हमको भाई। तो जो पावर था सब लगा दिए इसमें, कहीं से छोड़े नहीं, इससे बॉल लिए हम जब से भागे सबसे पहले ये हमको मार देता, ये मोमेंटम मेरा था उसको मारने में ना, ये भी निकल जाता है। तो हम अब बस साइड वाइड से जगह देख रहे थे। यहाँ हमको ना आईवी शॉट बल्बस और जो भी प्लेयर था ये बहुत मदद किया, इसे तो मुंह का सामने गोल कर दिया, कुछ नहीं कर पाएगा ये। देख सकते हैं मेरे हाथों के पीछे लग गया था, तो बोले हम कुछ करना है नहीं ना, इसको डैमेज देना है, बेस भागना है। अब देखो बेस इस समय इसलिए नहीं भागे क्योंकि हमको आईवी शॉट आ गया था मदद करने, देखो ये बहुत मदद करता। अब फाइनल हिट हम मार देते हैं अलग बात है, लेकिन मदद देखो 1 ball मिला, बोले 1 ball भी काहे छोड़े, इसको भी मारते गोल में सीधा। तो गोल पे गोल, गोल पे गोल हो जा रहा। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये लोग भी हम लोग एरिया में देख रहे गोल कर रहा था, ये आया हमसे भिड़ने। हम भी बोले हम तो अपने बेस का नजदीक है, ज़्यादा डैमेज होगा तो घुस जाएंगे, वही होता है, ज़्यादा डैमेज कर दिया था बेस में आके वापस आराम से। तो यहाँ हील होते हैं,
तो हील होने के बाद हम नया शिकार खोजना था। देखो हीलो लड़ रहा है, अब हम इसका थर्ड पार्टी करने आ गए। यहाँ भी थर्ड पार्टी कर रहे थे, देखो इसको थोड़ा बहुत मार के मार दी। तो इसको देखना कैसे सैंडविच करते हैं। उसको वहाँ टर्टल अलग मार रहा है, इधर हम उसको मार रहा है। लास्ट में ही भी ख़त्म हो गया। तो 5 बॉल हमको वापस मिल गया। अब देखोगे 5 बॉल लेके हम निकल गए गोल पोस्ट पे, गोल करना है देखो अब। लेकिन ये लोग आ गया, फिर मेरा आईवी शॉट आ गया था, सॉरी विनो शॉट बन गया ना वो। अभी दोनों पीछे लग गए, हम बोले अब इस सबसे लड़ने का फायदा नहीं है, फटाफट बेस भागो। ये लोग भी डैमेज दिए, हम बोले देने तो भाई कोई मतलब है नहीं हमको, हम सीधा बेस में जाएंगे। देखो बेस में आ गए, हील होने, हील होकर निकल गए वापस। फिर खोज रहे थे कोई मुर्गी, देखो ये वापस इससे लड़ रहा है। अब हम मेरे पास काम क्या था, इसका थर्ड पार्टी करना। देखो वापस इसका थर्ड पार्टी करके खेला ख़त्म कर दिया। 10 बॉल मिल गया यहाँ से। देखो अब इसका भी देखो थर्ड पार्टी कैसे होगा। अब इसी के साथ देखो ये बन गया मेरा चारिज़ार्ड। अब जानते हो चारिज़ार्ड ऑल टाइम फेवरेट है भाई मेरा। अब यहाँ देखोगे कुछ अनकलेक्टेड बॉल्स है, देख रहे हो, मतलब फाइट लिए कलेक्ट ही नहीं किया। हम बोले वाह मेहनत की है, रिजल्ट है नहीं लेने का, ये को बात होता है। एग्जाम भर दिए बढ़िया से और देखो यहाँ रिजल्ट छोड़ के आ गए अपने, और उसमें भी टॉप किए। अरे देखो एक यूनाइट मूव करके दिख रहा हो, ये होता है स्पेशल पावर। फायर पंच, फायर ब्लास्ट तो नॉर्मल पावर्स हैं, तो ये स्पेशल पावर है, इसको भी यूज़ करके दिखाएंगे तुम लोग को। जैसे देखो ये दो लोग मुझे, जैसे हम यहाँ आ गए थे बेस में मारने, 33 बॉल्स था इसको लगाने। अभी देखो ये आया, अब इस पर लिए पिकाचू वहाँ पे, स्पेशल पावर इस्तेमाल किया। पिकाचू देखो कितना लो हो गया था, हम ज़्यादा लो हो गए थे हम, और उसका टीममेट भी साथ में था। हम बोले बाबू ये अच्छा समय नहीं है, चुपचाप हील करने आ जाओ। तो यहाँ चुपचाप हील करके निकलते हैं। 33 बॉल को कहीं ना कहीं तो लगाना था, तो ये हमको खाली जगह दिखता है। हम बोले रुको यही तो जगह है, यहाँ मेरा टीममेट लोग भी था, हमको डैमेज दे नहीं सकता। देखो ये बेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, देख रहे हो क्या मस्त चीज़ है। अब देखो ये है उन लोगों का सेंटर वाला बेस, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सब खत्म। अब देखो यहाँ वापस अनकलेक्टेड पॉइंट्स, रिजल्ट नहीं को लेने आया, क्या बात है। और यहाँ घुसोगे ना तो स्लो हो जाओगे, देख रहे हो स्लो। अब यहाँ 3 गोल करने हम आए थे, 3 गोल किए हैं, अब इसका देखो दोनों हमको धर लिया। स्पीड भी स्लो था यहाँ, इन लोगों को पूरा चांस, और ये लोग हील भी हो सकता ना वहाँ बैठ के। अभी हम भागने का चक्कर में थे, कोई चिड़िया हमको अलग पकड़ लिया लोग, तो अब तीनों भिड़ गया था तो मरना ही था हमको, तो यहाँ मरे। इसमें वापस स्टेडियम में से ना रिस्पॉन हो सकता, तो रिस्पॉन होकर हम निकले, मौत का बदला लेना है। यूनाइट मूवी मेरा आ गया था, ये देख रहे थे लो पड़ा हुआ था, 4 बॉल भी देने को इसको इच्छा था। तो हम बोले ठीक है तुम मरो, 4 बॉल तो दो हमको। तो इसे 4 बॉल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं गेम, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है। ये बेसिकली 10 मिनट का गेम रहता है, इसमें जो ज़्यादा गोल कर देगा वो जीत जाएगा। सेम बास्केटबॉल वाला सिस्टम है। यहाँ देखो वापस इस चारिज़ार्ड पे फायर ब्लास्ट की, यहाँ देखो 1v3 होते होते रह गया। देखो इस चारिज़ार्ड को ख़त्म किए, उसके बाद देखो ये पिकाचू कितना लो हुआ, पिकाचू देखो ऊपर भागा है। यहाँ देखो स्नोरलैक्स को कितना लो कर देंगे, भाग किया देखो स्नोरलैक्स भी पूरा लो था, हमसे लो नहीं था लेकिन बहुत लो था। देखो उसको कितना लो कर दिया था। अब क्या हुआ, पिकाचू इसको सपोर्ट देने के लिए आ गया हील हो, और ये हमको मार दिया क्योंकि हम तो इतने ही लो थे बहुत ज़्यादा। यहाँ 1v3 होते होते रह गया, तुम जानते हो क्लच हो जाता है यहाँ पे भी। अब फाइनल 1 मिनट, अब इसमें ना सब अपना जान झोंक देता है, जानते हो एग्ज़ाम का लास्ट 10 मिनट में देखते हो सबको बुद्धि काम करने लग जाता है। वैसे ही यहाँ इसके 10 मिनट पहले देखो ये लो था, ये तो हमको मुड़ी आराम से मुड़ गया, ईजी टारगेट। अब यहाँ देखो ना कितना बॉल हम कलेक्ट करेंगे, वैसे 45 बॉल्स, देख रहे हो 50x50 यहाँ कलेक्ट हो गया। अब इसको मारना ही था, 40 सेकंड था इसको मारना था। अब देखो हम सेंटर में आ गए, लेकिन ये देख लिया, अब जब ज़्यादा बॉल रहता है ना तो तुमको मारने में भी टाइम लगता है और बार बार तुम्हें कैंसिल हो जाएगा, तो ये लोग आके हमको मारने ही नहीं दे रहा था। हम इस लोग पे अटैक उटैक भी कर रहा था मेरे पे, तो हम यहाँ देखो साइड से निकलने का चक्कर में, यहाँ भागे देखो कितना बढ़िया है। 20 सेकंड था, यहाँ देखो मेरा टीममेट था, हम यहाँ सोचे हील होंगे, हील के आऊँगे पूरा ही लोग यहाँ भी घुस गया, मेरा टीममेट को से फाइट हो गया। हम बोले चुपचाप से निकलते हैं भाई, नहीं तो यहाँ 50 बॉल चल जाएगा मेरे हाथ से। तो देखो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला था। मेरा यूनाइट पावर देखो 99% रिचार्ज हुआ, हम बोले को यूनाइट पावर देखो ख़त्म कर देते, वो ख़त्म भी कर दिए। तो यहाँ पे गेम ख़त्म। अब देखो खाली जीत किसका होता है, जीत बेसिकली तुम जानते हो, देखो हम लोग का जीत हो गया। तो उम्मीद करते हैं गेम अच्छा लगा होगा, मैंने कुछ नया गेम खेलने का ट्राई किया कि तुम लोग इंटरटेन हो। हमेशा पबजी करके तो बोर्ड हो जाओगे। हम MVP नहीं हुए थे बेसिकली, MVP हुआ था ये, हम लोग देख सकते हो लास्ट प्लेयर। तो होप करते हैं अच्छा लगा होगा गेम प्ले, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।